आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ एक्सेल की अंदर शॉर्टिंग के बारे में, कि डेटा को हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डेटा की शॉर्ट की जरूरत पड़ती क्यों है, चलिए इस पे पहले हम डिस्कस करते हैं। देखिए, डेटा को सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए हम इसकी जरूरत करते हैं। जैसे मान लीजिए लिस्ट में अगर आप जाते हैं अपने ऑफिस के अंदर कैब के लिए, कैब का लिस्ट लगा हुआ है। अब लिस्ट जो है, अगर मान लीजिए ए नहीं है, लिस्ट जो है आपका वो मान लीजिए आप अपना आपका किसी तरीके से अरेंज नहीं है, तो क्या करना होगा, आपको पूरा का पूरा अपना नाम ढूंढने के लिए पूरा का पूरा लिस्ट को देखना होगा। ओके, लेकिन अगर वही कोर्स को किसी सीक्वेंस में, मान लीजिए अल्फाबेटिक से अरेंज किया है और मान लीजिए आपका नाम नकुल है, तो आप एन वाले पार्ट को जाके देखेंगे, ना कि पूरा लिस्ट को देखेंगे, सिर्फ एन वाले पार्ट को देखेंगे। जी सर, इसलिए अब ये तो हो गए लिस्ट वाले। बोले सर मेरी तो लिस्ट की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उनके लिए जैसे मान लीजिए मुझे इसमें से टॉप फाइव का डेटा चाहिए, मुझे टॉप फाइव का डेटा चाहिए, तो टॉप फाइव का डेटा कैसे आएगा? नहीं, टॉप फाइव कंडीशनल फॉर्मेटिंग में तो हाईलाइट करेगा ना, मुझे डेटा चाहिए, फिर फिल्टर लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको टोटल कर दिया, टोटल के लिए मैंने यहाँ पे इक्वल सम का फॉर्मूला लगाया और इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके मैंने इसको एंटर प्रेस किया, नीचे तक ड्रैग कर दिया, हो गया नीचे तक ड्रैग। मुझे इसमें हाईएस्ट जो है फाइव है उसको कॉपी करना है डेटा, तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे शॉर्ट, यहां दिख रहा है शॉर्ट, शॉर्ट जी सर नहीं करके जेड टू ए, मतलब कि डिसेंडिंग, बढ़ते हुए से घटते क्रम में, यहाँ पे ए टू जेड कर दिया हमने। आपने क्लास वन की क्लास में पढ़ा होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां से फाइव ले लूंगा, ठीक है जी, जी सर। तो शॉर्ट इस केस में भी हम करते हैं, ये तो शॉर्ट हुई। अब यहां पे ध्यान रखिए, शॉर्ट करने से पहले डेटा को सिलेक्ट करना है नहीं करना है। अब डेटा को सिलेक्ट करना है नहीं करना डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर डेटा में कोई रो पूरी की पूरी ब्लैंक है, अब देख रहे हैं पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, अब इसके इसके लिए क्या होगा कि आपको पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करके फिर शॉर्ट करना होगा, ठीक है? नहीं तो क्या होगा कि ये जो ऊपर का डेटा है इसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। जी सर, तो ध्यान रखिएगा चीज का, अगर मान लो डेटा ब्लैंक नहीं है, मुझे एक फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, मुझे मान लीजिए जैन के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो जैन पे हम कर्सर रखेंगे और यहीं पे डेटा को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट जेड टू ए या ए टू जेड। ए टू जेड मतलब बढ़ते क्रम में, जेड टू ए घटते क्रम, यही से डायरेक्ट हम शॉर्ट कर सकते हैं। जी सर, राइट जी, जी सर। लेकिन मुझे मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर लिया, अब यहाँ पे अजीत का टोटल आ रहा है सर, बट एक सीक्वेंस में इसका जैन का टोटल नहीं है, 85 है, 22 है, 23 है, ये अगर इसको बढ़ते हुए क्रम में, तो यहाँ पे 22, 23 और 85 आना चाहिए क्या? जी सर। तो मैं चाहता हूं कि नेम तो शॉर्ट हो, साथ साथ मेरा ए भी शॉर्ट हो जाए, तो
तो उस केस में क्या करते हैं हम जाते हैं कस्टम शॉर्ट पे। कस्टम शॉर्ट पे आएंगे और फिर यहां से एक और लेबल को ऐड करेंगे और यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे अपना मंथ जैन और यहां अपना स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट स्मॉल जो भी सिलेक्ट करना कर लीजिए एंड ओके। अब देखिए 22, 23 एंड 85 आ रहा है जी सर, क्लियर है जी? जी सर। तो यहां से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि जो मेरा डेटा शॉर्ट है ना उसमें हमने कहीं कहीं पे हाईलाइट कर दिया हुआ है। आपके डेटा में जो डेटा है उसके हम उसको हमने कहीं कहीं पे हाईलाइट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कलर, मुझे लगा कि अच्छा चीज है तो मैंने इसको कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, यहाँ नीचे भी हमने कलर कर दिया। अब जितने भी कलर्ड है ना मुझे इकट्ठा चाहिए। मैं शॉर्ट इस बार कलर की अकॉर्डिंग करना चाहते हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। नेम को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, डिलीट पे क्लिक करके रिमूव हो जाता है। और यहां जनवरी को सिलेक्ट किया और यहां पे सेल वैल्यू की जगह पे सेल कलर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, सेल कलर, हम सेल कलर को सिलेक्ट करें। और यहां जैसे सॉरी गलती से एंटर प्रेस हो गया, माफ कीजिएगा, यहां सेल कलर में यहां पे आपको अपना कलर सिलेक्ट करना है कि कौन सा कलर आपको चाहिए, वो कलर चूज कर सकते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो कलर चूज कीजिए, टॉप पे चाहिए बॉटम में चाहिए वो चीजें यूज कर सकते हैं। देन ओके यहां पर आ गया। ठीक है जी सर, कोई डाउट इसमें? नो सर। उसके बाद मान लीजिए कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन लगा रखा है, मुझे सॉर्ट जो करना है ना आइकन के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट में मैं कस्टम सॉर्ट में आएंगे, हम यहां पे फैब को सिलेक्ट करेंगे, सेल आइकन की जगह पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन को सिलेक्ट करेंगे और मुझे अप वाला जो है सबसे ऊपर रखना है। ओके ठीक है जी सर, अब वाला जो है हमारा सबसे ऊपर आ गया। आ गया सर जी? जी उसके बाद अभी होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई अजीत ही है यहां पे। अब इसमें एक अजीत जो है वो कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। तो अब कस्टम शॉर्ट में आते हैं। अब मैं नेम वाइज अगर शॉर्ट करता हूं तो क्या होता है, यहां बड़े छोटे का फर्क नहीं होता, बड़े छोटे का फर्क नहीं होता है। ठीक है, सीक्वेंस में डाल देगा हमने। लेकिन इसी में अगर हम शॉर्ट करते समय यहां ऑप्शन होता है, ऑप्शन में मैंने केस सेंसिटिव को सिलेक्ट कर दिया, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपका छोटा ऊपर आएगा बड़ा नीचे आएगा, मिक्सअप नहीं आएगा। ओके सर? जी सर। अब एक चीज और भी होती है, कभी कभी आप जब करेंगे शॉर्ट करेंगे तो यहां आप देख पा रहे हैं कि यहां आप शॉर्ट कर रहे हैं तो यहां देख पा रहे हैं कि यहां पे नाम के लिस्ट आ रहे हैं ना सर। अगर आपने इस ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये माय डेटा हैज ए हेडर है, इसको अनचेक कर दिया तो यहाँ पे एबीसीडी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, एबीसीडी। जी सर। ठीक है,
इस पे क्लिक करेंगे तो देन आपका नेम आएगा। अगेन नेम जी सर। उसके बाद हम जब भी शॉर्ट करते हैं तो टॉप टू बॉटम होता है ना, आप लेफ्ट टू राइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे नेम दिया, यहां पे सेल्स दिया, अब मुझे शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट राइट करना है। सबसे हाईएस्ट सेल सबसे पहले आए, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट। उस केस में हम कस्टम शॉर्ट पे आएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे और यहां पे शॉर्ट लेफ्ट टू राइट को सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट राइट शॉर्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा जो नेम जो हेडिंग है ना, इसको सिलेक्ट मत कीजिएगा वरना इसको भी शॉर्ट कर देगा, क्योंकि इसमें हेडिंग को आइडेंटिफाई करने का ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है जी सर। अब मैं रो वन को सिलेक्ट कर लिया, नहीं रो टू के अकॉर्डिंग चाहिए, रो टू लिया देन ओके। अब देखिए शॉर्ट हो गया आपका। जी सर। ठीक है जी जी। दूसरा चीज है कि कभी कभी देखा, आपने देखा होगा कि मैं जब इस पे शॉर्ट करता था तो इस तरह का ऑप्शन आता है। इस तरह का ऑप्शन कब आएगा? जब एक पर्टिकुलर डेटा रेंज को सिलेक्ट करके कीजिएगा तो ये सिस्टम आइडेंटिफाई करता है कि आपने गलती से छोटा सा रेंज सिलेक्ट कर रखा है, आपको पूरे डेटा पे शॉर्ट करना चाहिए। समझे? जी सर। तो अगर एक्सपेंड सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरे डेटा को रीड कर लेगा। कंटिन्यू सिलेक्शन मतलब नहीं, मुझे इतना भी शॉर्ट करना है। अब यहां भी देखिएगा, शॉर्ट होता है तो जैसे हमने नेम बाय शॉर्ट किया, सिर्फ नेम ऊपर नीचे नहीं होता है, ये पूरा का पूरा डेटा ऊपर नीचे होता है। समझे सर? जी सर। पूरा का पूरा डेटा ऊपर नीचे होता है। जैसे मैंने जो सिलेक्ट कर लिया और हमें जे टू एट पी क्लिक कर दिया तो अब देखिए देव आया, तो देव अपना पूरा डेटा लेके आया। जी सर। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अभी जो आपने सीखा, कि कैसे हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट की बेसिक कंसेप्ट थी, आप इसको बैठ कर अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ठीक है जी। कल की क्लास में हम आपको बताएंगे आपके साथ कि सॉर्ट का एडवांस क्या है, एडवांस सॉर्टिंग क्या है, हम कल बात करेंगे इस पे आपके साथ। ठीक जी सर। ठीक है जी जी सर। कोई दिक्कत होगा तो कॉल कर लीजिएगा। जी जी सर। ओके।